नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो डीआरडीओ ने प्लान किया हुआ है कि तेजस मार्क टू या फिर मीडियम वेट कैटेगरी फाइटर MWF के लिए और एमका के लिए जो इंजन डेवलप किया जाना है जिसका जो थ्रस्ट प्रोडक्शन हो वो 110 किलो न्यूटन के आसपास हो और वो इंजन सुपर क्रूज कर सके। तो ऐसे ही एक प्रोजेक्ट को लेके डीआरडीओ ने इस एयर इंडिया शो के दौरान अनाउंस किया था कि वो एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं। लेकिन इस इंजन को डेवलप करने में जो जो कंपोनेंट्स या फिर इक्विपमेंट्स लगने वाले हैं उसको लेके भी डीआरडीओ और डीआरडीओ की जितनी लैब्स हैं वो बैकग्राउंड में काम कर रही थी। और जैसा कि इससे पहले हम बता भी चुके हैं कि डीआरडीओ जो सिंगल क्रिस्टल ब्लेड है, जो कि एक अहम टेक्नोलॉजी है जब आप कोई इंजन डेवलप कर रहे हो और उसे आपको सुपर क्रूज कराना है, तो उस स्टेट में जो टेम्परेचर होता है आपके हाई प्रेशर टर्बाइन पे वो काफी हाई रिसीव होता है। वहां पे आपके जो टर्बाइन ब्लेड्स हैं वो इतने कैपेबल होने चाहिए कि उतने टेम्परेचर को सस्टेन कर पाए। और फिर उस जगह सिंगल क्रिस्टल ब्लेड की जो टेक्नोलॉजी है वो काफी अहमियत रखती है। तो इसको देखते हुए डीआरडीओ ने सिंगल क्रिस्टल ब्लेड 2011-2012 में डेवलप कर लिया था, लेकिन उसमें जो मैच्योरिटी थी वो उतनी नहीं थी। लेकिन अब ऐसा बताया जा रहा है इन सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स पे जो भी कोटिंग होनी है कंपोजिट मटेरियल की, या फिर यूं कह लो कि थर्मल बैरियर कोटिंग, तो उस कोटिंग को लेके भी कुछ नए डेवलपमेंट्स पिछले 2 सालों में हुए हैं, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अभी जिन तकनीक में भारत लैग कर रहा था लो बाईपास टर्बोफैन इंजन बनाने के लिए, और जिसका खामियाजा हमने अपने कावेरी इंजन में भुगता है और इस प्रोजेक्ट से बहुत कुछ सीखा है, अगर कावेरी इंजन बनाते वक्त या फिर इस पूरे प्रोजेक्ट के होल ड्यूरेशन में हमारे पास ये 3 टेक्नोलॉजी होती तो शायद आज कावेरी इंजन का जो रुख है वो कुछ और ही होता। जैसे कि पहला तो सिंगल क्रिस्टल ब्लेड, जो कि हमारे पास पहले नहीं था, लेकिन इसको बाद में डेवलप किया गया और धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी अब मैच्योर हो रही है। अब बात करते हैं दूसरी टेक्नोलॉजी की, जो कि इम्पोर्टेंस रखती है इंजन्स के पार्ट्स के लिए, और ये टेक्नोलॉजी एक इक्विपमेंट है, और ये इक्विपमेंट है एक लेजर ड्रिल, जो कि कैपेबल होता है तकरीबन 5 से लेके 10 माइक्रोमीटर का होल क्रिएट करने में। और ये होल्स स्पेशली तब क्रिएट किए जाते हैं जब आपके जो भी टर्बाइन के ब्लेड्स हैं उनमें आप होल क्रिएट करके एक तरह की कूलिंग प्रोवाइड करते हो, तो उस चीज के लिए आपके पास एक लेजर ड्रिल होना चाहिए जो कि 5 माइक्रोमीटर से लेके 10 के बीच में होल करने में सक्षम हो। तो ये चीज़ फिलहाल अभी भी मिसिंग है और इस पर काम चल रहा है। बात करते हैं तीसरी टेक्नोलॉजी की, और वो है थर्मल बैरियर कोटिंग, जिसके बारे में हम ऑलरेडी एक डिटेल में बात कर चुके हैं। तो अगर आपको थर्मल बैरियर कोटिंग के बारे में जानना है तो यहाँ पे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। तो थर्मल बैरियर कोटिंग को लेके ही ऐसा बताया जा रहा है कि डीआरडीओ की लैब DMRL और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक और कंपनी जिसका नाम है आपका एडवांस रिसर्च सेंटर ऑफ पावर मेटलर्जी ARCI, तो ये दोनों मिलके एक थर्मल बैरियर कोटिंग पे काम कर रहे हैं पिछले 2 सालों से। और ऐसा बताया जा रहा है कि इस चीज़ को लेके एक अच्छा खासा काम वो कर चुके हैं, और साथ ही साथ DMRL और ARCI एक ऐसी मशीन डेवलप कर चुके हैं जो कि ये जो भी थर्मल बैरियर कोटिंग्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे उनको ऑप्टिमली यूटिलाइज किया जाए और अप्लाई किया जाए आपके जो भी इंजन पार्ट्स होंगे उन पे। तो आप सबको बता दूं, थर्मल बैरियर कोटिंग को आपके इंजन पार्ट्स पे चढ़ाने के लिए बेसिकली 2 तरह के पॉपुलर मेथड्स हैं, जिसमें से पहला है आपका प्लाज्मा स्प्रे और दूसरा है आपका इलेक्ट्रॉन बीम फिजिकल वेपर डिपोजिशन। तो ये 2 तरह के मेथड्स हैं जिनको यूज करके थर्मल बैरियर कोटिंग आपके इंजन पार्ट्स पे चढ़ाई जाती है, जिसमें से जो आपका प्लाज्मा स्प्रे मेथड है ये काफी कन्वेंशनल मेथड है और ये एक पुराना मेथड है। लेकिन जो आपका इलेक्ट्रॉन बीम फिजिकल वेपर डिपोजिशन है, इस मेथड के लिए एक अलग ही मशीन चाहिए होती है जो कि 2018 में DMRL और ARCI ने डेवलप कर लिया है, और इस मशीन को एक और ब्रॉड लेवल पे ले जाने की कोशिश की जा रही है, जो कि एक मेजर स्टेप होगा ये देखते हुए कि इंडिया प्लान कर रहा है कि वो एक हाई थ्रस्ट प्रोड्यूस करने वाला एक इंजन बनाए। तो जान लेते हैं कि ये किस तरह की टेक्नोलॉजी होती है और इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो बेसिकली इस मशीन में क्या होता है, इसके अंदर आपको अपने जिस कंपोनेंट पे थर्मल बैरियर कोटिंग चढ़ानी होती है या फिर किसी भी तरह की कोटिंग चढ़ानी होती है, तो उस कंपोनेंट को आप जॉब होल्डर में प्लेस कर देते हो और जो आपके इनगॉट्स हैं उनको अपनी जगह पे प्लेस कर देते हो, जैसा कि आप अभी इस पिक्चर में देख रहे होंगे। और ये इनगॉट्स वही मेटल या फिर कंपोजिट मटेरियल्स होते हैं जो कि आपका थर्मल बैरियर कोटिंग का मटेरियल है, तो उन मटेरियल्स को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि आपका जो भी इलेक्ट्रॉन गन है, जैसा कि इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे, जो कि 2 इनगॉट बेस्ड इलेक्ट्रॉन बीम वेपर डिपोजिशन इक्विपमेंट है, और इसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन गन है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के बॉम्बार्ड करते हैं आपके इनगॉट पे, तो वो एज ए एनोड काम करता है। और इसका परिणाम क्या होता है, आपका जो मेटल है वो वेपराइज हो जाता है और गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और उसको टारगेट पे छोड़ा जाता है, और जिसकी वजह से आपकी मेटल या फिर कंपोजिट की थिन लेयर आपके टारगेट पे चढ़ जाती है, और ये पूरा प्रोसेस वैक्यूम में हो रहा होता है, तो इसलिए ये प्रोसेस काफी स्टेबल है। तो अभी फिलहाल 2 इनगॉट बेस्ड इस तरह के इक्विपमेंट को डेवलप किया गया है, लेकिन DMRL प्लान कर रही है कि इसको 3 इनगॉट बेस्ड
इक्विपमेंट में डेवलप किया जाए, तो इस तरह के इक्विपमेंट का यूज करके जो कोटिंग की जाती है तो उससे क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। जैसे कि इस तरह के इक्विपमेंट से की गई कोटिंग काफी डेंस होती है, यूनिफॉर्म होती है और स्मूथ होती है, और जो डेपोजिशन रेट है आपके कंपोनेंट पे वो ये कैपेबल है तकरीबन 50 से लेके माइक्रोमीटर पर मिनट डिपॉजिट करने में, 10 से लेके 15 किलोग्राम तक पर आर डिपॉजिट करने में सक्षम है। कहने का मतलब ये है कि ये एफिशिएंटली और क्वालिटी वाइज क्विक वर्क करने में भी सक्षम है, और ये आपके पतले से पतले कंपोनेंट पे एक थिन फॉयल शीट पे भी कोटिंग करने में सक्षम है, और ये कुछ इस तरह की कोटिंग करने में सक्षम है जो कि रिक्वायर्ड होती है आपके जो भी यट्रियम बेस्ड जिरकोनिया होते हैं उनके कोटिंग के दौरान। तो ये आप इस कोटिंग के माइक्रोस्ट्रक्चर लेवल की फोटोग्राफ देख सकते हैं, तो कुछ इस तरह की कोटिंग करने में सक्षम है। वैसे तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि एक लिस्ट यहाँ पर डाल दूंगा मैं, लेकिन हमारे लिए अभी फिलहाल जो भी हमारे इंजन कंपोनेंट और पार्ट्स हैं उनके लिए काफी महत्व रखता है। और जो DMRL और ARCI ने ये मशीन डेवलप की थी, तो उनको जो DMRL ने डेवलप किया था सिंगल क्रिस्टल ब्लेड उन पे अप्लाई करके देखा गया था, और इस मशीन ने सफलतापूर्वक अपने काम को पूरा किया था। ये कुछ एडवांटेजेज हैं इस तरह का मशीन यूज करके कोटिंग करने से, जैसे कि जो सरफेस रफनेस है वो काफी इम्प्रूव्ड है प्लाज्मा स्प्रे मेथड के कंपेयर में। बात कर लेते हो आप एडहेसिव स्ट्रेंथ की, तो इसके जो कोटिंग के आपके पार्ट से लगाव है या फिर जुड़ाव है वो काफी स्ट्रांग है कम्पेयर टू जो प्रीवियस मेथड है उसके। इसमें जो इरोजन रेट है कि कोटिंग का वियर हो जाना, खत्म हो जाना, तो वो इसमें बहुत कम है पिछले मेथड के कंपेयर में। तो इस तरह के कुछ एडवांटेज इस इक्विपमेंट के डेवलप करने से आ जाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि भारत तैयार हो रहा है अपने इंडिजिनस हाई थ्रस्ट वाले लो बाईपास इंजन को डेवलप करने के लिए। तो जिस रेट से बैकग्राउंड में काम चल रहा है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो DRDO से कि वो एक हाई थ्रस्ट वाला जो इंजन डेवलप करने की सोच रहे हैं वो जल्द से जल्द अचीव कर पाएंगे। जो भी आपका टाइमलाइन वो बता रहे हैं 2025-26 तक ये पॉसिबल हो सकता है। वहीं पे DRDO ने 3D प्रिंटेड जो नोजल गाइड वेन्स होते हैं, जो कि अमूमन यूज होते हैं आपके जो भी स्टेटर ब्लेड्स होते हैं टर्बाइन में, जो कि स्पेशली प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं गाइड करके आपके हाई प्रेशर टर्बाइन्स पे, तो वो पार्ट्स 3D प्रिंटेड से बना हो, तो उसके लिए भी एक टेंडर निकाला गया है। तो यहाँ पे ऑल इन ऑल कहने का मतलब यह है कि जो भी पजल्स हैं एक नए इंजन को डेवलप करने को लेके वो धीरे धीरे सॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई है गिव अस अ लाइक, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जय हिंद।